Hello everyone, this is Saloni. Today we're going to continue class 9th mathematics chapter 6 lines and angles. First, इसके introduction पढ़ेंगे हम, उसके बाद exercise को continue करेंगे. Introduction of lines and angles. Line क्या होती है? A line is a one-dimensional figure which has length but no width. Line one-dimensional figure होता है जिसके अंदर length तो होती है लेकिन width नहीं होती है. A line is made of a set of points which is extended in opposite direction. लाइन जो है वो सेट ऑफ पॉइंट से मिलकर बनती है. जैसे कि ये एक पॉइंट है, यहां से ये दूसरा पॉइंट है. सेट ऑफ पॉइंट से मिलकर जो बनती है वो लाइन होती है. इसे बोथ साइड से एक्सटेंड भी कर सकते हैं, एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ डायरेक्शन. सेकेंड, इंटरसेक्टिंग लाइन्स. व्हेन टू और मोर लाइन्स क्रॉस ईच अदर इन अ प्लेन. जब दो लाइन क्रॉस करेगी एक दूसरे को किसी पॉइंट पर, मतलब किसी पॉइंट पर दोनों आके मीट करेगी, तो ये होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस. जैसे ए बी और सी डी. ए बी और सी डी बोथ लाइंस क्रॉस ईच अदर एट पॉइंट ओ, तो ये क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्ट किस पे कर रही है? पॉइंट ओ पर. नेक्स्ट, पैरेलल लाइंस. It is a lines in a plane that are always the same distance apart. Parallel lines never intersect. Parallel lines जिसमें दोनों एक दूसरे के parallel होगी और जो कभी भी एक दूसरे को intersect नहीं कर सकती, वो parallel lines कहलाती है. For example, AB is parallel to CD. Lines का last part है perpendicular lines. टू लाइन्स दैट मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. जब दो लाइन्स इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को और फॉर्म करेगी राइट एंगल 90 डिग्री का, तो वो होती है परपेंडिकुलर लाइन्स. जैसे कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये दोनों इंटरसेक्ट करिए किसी एक पॉइंट पर. पॉइंट मान लेते हैं ओ, ये ए ये बी, और फॉर्म कर रही है एंगल 90 डिग्री का, वो होते हैं परपेंडिकुलर लाइन्स. और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एक लाइन है 180 डिग्री की, लीनियर पेयर. अब यहां से एक एंगल फॉर्म करा तो क्या बन गया? लीनियर पेयर. लेकिन ये एंगल बोथ साइड से क्या है? 90 डिग्री. मतलब ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है इस लाइन की. इसको हम नाम दे देते हैं ए बी, यहां ओ पी, मतलब ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी. अभी हमने लाइंस के पार्ट्स पढ़े, लाइन के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स देखे, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइंस. नेक्स्ट टॉपिक है एंगल्स. फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज मीटिंग एट अ कॉमन एंड पॉइंट, इट इज रिप्रेजेंटेटेड बाय एंगल. फिगर जब फॉर्म्ड होता है टू रेज से और मीट करता है किसी कॉमन एंड पॉइंट पर, वो एंगल कहलाता है, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं इससे. ठीक है, अब यहां आगे देखते हैं एंगल कैसे फॉर्म्ड होगा. जैसे कि ये एक सिंगल एंड पॉइंट है, यहां पर दोनों जब मीट करेंगे कोई भी लाइंस, वो क्या कहलाता है? एंगल. जैसे कि दूसरा बना के देखते हैं, यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, यहां से एक लाइन ड्रॉ करी, और दोनों किसी एक पॉइंट पर आके मिले, तो वो क्या फॉर्म कर रहे हैं? कोई एंगल. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एंगल्स. टाइप्स ऑफ एंगल में फर्स्ट है एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल जो होते हैं वो लेस देन 90 डिग्री होते हैं. मतलब 0 टू 90 डिग्री में जितने भी 0 टू 90 डिग्री में जितने भी एंगल्स आएंगे वो कहलाते हैं एक्यूट एंगल. फॉर एग्जांपल, मैंने एक एंगल बनाया, ये है 60 डिग्री का. कोई सा भी एंगल हम बनाएंगे जो 0 से 90 डिग्री के अंदर आए वो होते हैं एक्यूट एंगल्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एंगल फॉर्म करा 30 डिग्री का, तो ये भी क्या हो गया? एक्यूट एंगल. अब ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, जरूरी नहीं है ये यहां हो. अगर मैं इसको ऐसे भी बनाऊं तो ये एक्यूट एंगल है. जो भी 0 से 90 डिग्री के बीच में आए वो सारे क्या है? एक्यूट एंगल्स. नेक्स्ट, राइट एंगल. राइट एंगल इक्वल होता है 90 डिग्री के. राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. जब कोई भी एंगल 90 डिग्री पर ही आए तो वो एंगल्स कहलाते हैं राइट एंगल. जैसे मैं अगर इसे ऐसे बनाती हूं तो भी ये राइट एंगल है, अगर मैं इसे ऐसे बनाती हूं तो भी ये राइट एंगल है. थर्ड है ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 होता है लेकिन लेस देन 180 डिग्री. तो 90 टू
180 डिग्री मींस 90 से बड़ा, 90 से जब भी बड़ा होगा, मान लो ये, अगर ये 110 डिग्री है, 120 डिग्री, कुछ भी हम बनाएंगे जो 90 से 180 के बीच में आए तो वो कहलाते हैं ऑब्ट्यूस एंगल्स. नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री जब, या फिर हम ऐसे भी मान सकते हैं, जब हम 90 डिग्री और 90 डिग्री को प्लस करें तो ये स्ट्रेट एंगल काय का है, 180 डिग्री का. ऐसे कोई भी एंगल्स हो सकते हैं जो टोटल सम जिसका 180 डिग्री हो. ये ऐसे भी बन सकता है 180 डिग्री, मतलब स्ट्रेट एंगल जो होगा वो 180 डिग्री होगा. अब रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो लेस देन 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री से कम. 360 डिग्री मतलब पूरा होल एंगल होना, उससे कम. जैसे कि जब पूरा एंगल फॉर्म्ड ना हो, जैसे कि यहां से मैंने स्टार्ट करा और ये वाला एंगल, मान लो ये एंगल 180 से ज्यादा है, ठीक है, मान लो ये एंगल है 210 डिग्री, तो ये 360 से छोटा है, तो ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल. अब नेक्स्ट कंप्लीट एंगल. कंप्लीट एंगल जो होता है वो होता है इक्वल टू 360 डिग्री, मतलब कि ये है एक आर्म और यहीं से स्टार्ट होता है दूसरा आर्म और यहीं पर खत्म होगा. जैसे कि यहां से स्टार्ट हुआ और यहीं पर सेकेंड वाला जो आर्म है, मान लो ये एक और आर्म है, ये यहीं पर आके खत्म हुआ, तो ये होता है 360 डिग्री, मतलब होल एंगल. नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. दोज एंगल्स विच हैव द सम ऑफ टू एंगल एस 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री आए वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. जैसे कि हम लेते हैं 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री, तो ये दो एंगल्स का सम क्या होगा, 90 डिग्री. ऐसे ही एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री आए, जैसे कि हम ले सकते हैं 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री. फॉर एग्जांपल, जैसे ये 90 डिग्री का एंगल है, ये वाला है 30 डिग्री का, तो यहां से 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों का सम क्या बना, 90 डिग्री. तो ये वाला एंगल पूरा जो है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. अगर वो 90 डिग्री का फॉर्म करते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं. ऐसे किसी का भी सम हो सकता है, जैसे 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री, जो भी एंगल टोटल 90 डिग्री बनाता है वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल्स. सप्लीमेंट्री एंगल्स दोज एंगल्स विच हैव द सम ऑफ टू एंगल एस 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल. ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री आए वो होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल. फॉर एग्जाम्पल, 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये होगा 180 डिग्री. जैसे कि 180 डिग्री जो होता है स्ट्रेट लाइन को शो करता है, उसके अंदर दो एंगल्स का सम वो होते हैं 180 डिग्री और वो इक्वल होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स के. नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल्स, टू एंगल्स हैविंग द सेम वर्टेक्स एंड हैविंग अ कॉमन साइड बिटवीन देम. दो ऐसे एंगल्स जिसके अंदर सेम वर्टेक्स हो और कॉमन साइड हो दोनों के बीच में, वो होते हैं एडजेसेंट एंगल. फॉर एग्जाम्पल, यहां पर टू आर्म्स है ए बी और बी सी, जिसका कॉमन वर्टेक्स है बी, और यहां पर एक लाइन जा रही है जो इन दोनों को डिवाइड कर रही है, तो ये कॉमन साइड हो गई दोनों के बीच की, जिसे हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल. लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इट कैन बी डिफाइंड एज टू एडजेसेंट एंगल दैट एड अप टू 180 डिग्री और टू एंगल्स विच वेन कंबाइंड टूगेदर फॉर्म अ लाइन और अ स्ट्रेट लाइन. जैसे कि ऐसे दो एंगल्स जो कि एडजेसेंट हो, एडजेसेंट मतलब जिसमें कॉमन साइड हो, और कंबाइंड करने पर वो या तो एक लाइन फॉर्म करेंगे या स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे, उसे हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. और लीनियर पेयर भी कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री. जैसे ये लाइन है, इसके ऊपर कोई भी एंगल हमने बनाया तो उन दोनों एंगल्स का सम वो होता है 180 डिग्री, जो कि लीनियर पेयर्स पे आते हैं. अब ऐसे ही और ज्यादा भी एंगल्स हो सकते हैं, लेकिन तीनों का सम जो होगा, जैसे कि मैं तीन एंगल बनाती हूँ, ये तीन एंगल हो गए, लेकिन इन तीनों का एंगल का सम जो होगा वो होगा 180 डिग्री.
लास्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द अपोजिट एंगल्स फॉर्म ड्यू टू इंट्रैक्शन. जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो अपोजिट एंगल जो इंट्रैक्शन बनाएंगे फॉर्म्ड होता है वो कहलाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. जैसे कि यहाँ पर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पर. यहाँ से अपोजिट मतलब कि ये वाली साइड क्या हो गए इक्वल. जैसे कि अगर हम मानते हैं ये एंगल वन है और ये एंगल टू थ्री फोर, तो एंगल वन इज इक्वल टू हो गया एंगल थ्री. और यहाँ पे ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मतलब एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर. आई होप यू लाइक माई वीडियो. इफ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.